नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं फ्रेम डिजाइन, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके के डिजाइन बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ, उसके बाद टूल्स में जाएंगे और यहाँ से मैं इंसर्ट कर लेता हूँ बैनर शेप। बैनर शेप पर जैसे आप क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाता है कई ऑप्शन। यहाँ से मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली इसको इंसर्ट कर लेते हैं। इसी का यूज करके हम इस तरीके से डिजाइन बनाने वाले हैं। अब इसी का हम एक डुप्लीकेट करेंगे जस्ट इसी से अटैच राइट साइड में। तो राइट साइड में बिल्कुल इसी से अटैच डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस पॉइंट से राइट साइड में ड्रैग करेंगे, राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और फिर इसी का डुप्लीकेट बॉटम साइड में भी कर देंगे। अब इसी का एक डुप्लीकेट और करेंगे, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस रोटेशन हैंडल से इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद इसकी साइज मैं और छोटा कर लेता हूँ लगभग इतना, और यहाँ से इसको मिला देंगे। ये जो कॉर्नर है और ये कॉर्नर आपस में मिलाना है, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको मिलाना है, तभी परफेक्ट तरीके से आपको डिजाइन मिलेगा। इसको और बारीकी से मिलाने के लिए व्यू में जाएं और यहाँ से कर लें सिंपल वायर फ्रेम या फिर वायर फ्रेम कर लें। अब यहाँ पर आप और बारीकी से इसको मिला सकते हैं। इसको मिलाने के बाद इसी प्रकार से बॉटम साइड में यहाँ से बिल्कुल मिला लें परफेक्ट तरीके से। उसके बाद इन सभी को एक में बिल्ड भी कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको अनग्रुप करेंगे और ये दो डिजाइन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं बिल्ड। तो जैसे आपने बिल्ड किया, आप देख सकते हैं इस तरीके से डिजाइन आपको मिल जाता है। और फिर यहाँ पर चाहें तो आप दो नोड ऐड करके इसको डिलीट करके आप इसको और भी स्मूथ बना सकते हैं, या फिर टूल्स में जाएं और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्मूथ का ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसकी साइज और मैं कम कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्मूथनेस हो जाता है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्मूथ बनाने के बाद अब इसी का डुप्लीकेट करेंगे राइट साइड में, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस पॉइंट से राइट साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाता है। फिर इन सभी को सिलेक्ट करेंगे एक बार, फिर से प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं बिल्ड, और फिर सेव टूल का इस्तेमाल करके बाहर वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स करने के बाद कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देते हैं और फिर मैं इसको बाहर कर लेता हूं। अब इसमें कोई भी कलर फिल कर लें आप अपने अनुसार, तो इसमें मैं फिल कर लेता हूं ग्रीन कलर। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इस पॉइंट से मैं कलर सेट कर लेता हूं, यहां पर थोड़ा सा और डार्क कर देंगे। उसके बाद अब इसमें हम एक्सट्रूड टूल का इस्तेमाल भी करेंगे, तो टूल्स में जाएं, एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सट्रूड रोटेशन का, इस पर क्लिक करेंगे और इसको हल्का सा तिरछा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है कलर का ऑप्शन, इसमें से कलर आप थोड़ा सा चेंज करके देख लें कि कितना रोटेट और किस प्रकार से हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर रोटेट हो गया है, इसको हल्का सा और कम करते हैं, हल्का नहीं बल्कि इसको मैं कर लेता हूँ 2। तो कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद इसको कंट्रोल के साथ देते हैं ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट करने के बाद इसमें हम कोन टूल का इस्तेमाल भी करेंगे, तो टूल्स में जाएं और यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं कोन टूल, सिंपली अंदर की साइड ड्रैग करेंगे, इसके स्पेस को मैं लगभग इतना रखता हूं और फिर इसको भी कंट्रोल के साथ कर देंगे ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट करने के बाद अब इसका कलर भी चेंज कर लेंगे, तो इसके फिल को मैं कर देता हूं नन और आउटलाइन लगा देते हैं। इस पार्ट को हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर देते हैं, तो टूल्स में जाएं, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली इस पार्ट को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अब चाहें तो इस लाइन को डिलीट कर दें या फिर रहने देते हैं, और इसमें मैं फिल कर देता हूं येलो से रिलेटेड कलर, यानी डार्क येलो कलर फिल करेंगे। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं, यानी यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ
केसरिया कलर, और ये जो शैडो है इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं और इसके लाइन के विड्थ को भी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ 4 पॉइंट या फिर 8 पॉइंट कर लेते हैं, 8 नहीं बल्कि मैं और भी बढ़ा देता हूँ, इसको 12 पॉइंट कर देते हैं। ओके, और कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे, इसको मैं यहाँ से कुछ एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, फिर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको इसका इफेक्ट मिल जाता है। फिर इसको शिफ्ट कंट्रोल क्यू से कर्व कर लेंगे। कर्व करने के बाद ये अब ऑब्जेक्ट यानी रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी साइज हल्का सा मैं छोटा करता हूँ और इसमें फिल कर लेते हैं ग्रे कलर। अब इसके मोड को भी चेंज करेंगे। तो मोड चेंज करने के लिए टूल्स में जाए और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, नॉर्मल की जगह कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसको हल्का सा मैं और लाइट कर लेता हूं, ये सही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से डिजाइन कंप्लीट तैयार हो जाता है। अब इसमें जो भी टेक्स्ट आप सेट करना चाहें अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक डिजाइन और बच गया था जो मैंने कंट्रोल एक्स किया था, इसमें भी हम कुछ इसी तरीके से डिजाइन बना के आप सभी को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा फ्रेम डिजाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।